सभी को नमस्कार। जैसा कि आप एक कन्हैयालाल साहू जो टेलरिंग का कार्य करता था मालदा स्ट्रीट उदयपुर में, उसकी दुकान थी, उस पर आकर अपने कपड़े जब वो नाम छोड़ कर रहे थे उनका, उस टाइम मौका देखा कि उसको जो दूषण तरीके से हत्या कर वो वहाँ से फरार हो गए। और फिर सुनो क्योंकि आप उसका अलग से वीडियो बनाकर उन्होंने कैलकुलेट किया और फिर वो अपने साधन से वहाँ से फरार हो गए। और आपको ध्यान होगा उसके बाद पुलिस द्वारा बड़ी प्रोफेशनल तरीके से टीम राजस्थान के आसपास उनको डिटेन किया है। क्योंकि अभी तक की पूछताछ से सामने आया है कि ये लोग दावते आना जाना था, संपर्क था, उनके टच में थे। इन सभी बातों को देखते हुए राजस्थान पुलिस द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के आदेशों के अनुसार इस प्रकरण को प्रारंभ से ही एक्ट ऑफ टेरर मानते हुए यूएपीए के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है और उसी के अनुसार इसमें अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। और इसी क्रम में जो एनआईए है उनको सूचित करते हुए उनकी सहायता के लिए भी अपील की गई और इसी की पालना में एनआईए भी रात में ही वहां से रवाना होकर सुबह तक हमारे द्वारा भी, क्योंकि ये एक शेड्यूल ऑफेंस है उसको एनआईए में स्थानांतरित कर दिया है और इसमें साथ में राजस्थान पुलिस का सहयोग भी दिया गया है। अभी तक जो बातें सामने जारी है, जहाँ तक इनका ट्रांस बॉर्डर कनेक्शन की बात है और जो भी डिजिटल एविडेंस है वो राजस्थान पुलिस अपने स्तर पर ज्ञात कर रही है। इसके साथ साथ जो एनआईए की एक अपना इसमें स्पेशलाइजेशन है उसका सहयोग भी लेकर इसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन लॉजिकल एंड पर पहुंचाया जाएगा। ये सब जो घटनाक्रम हुआ है इसमें 10 तारीख को एक व्यक्ति द्वारा नाजिम नाम के व्यक्ति द्वारा कन्हैयालाल के विरुद्ध धानमंडी थाना उदयपुर पर एक अभियोग पंजीबद्ध करवाया गया था कि उसने एक आपत्तिजनक पोस्ट अपने जो डीके पर है पोस्ट की हुई है, उस संदर्भ में कि हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। यह मुकदमा दर्ज कर 11 तारीख को 11 जून को धानमंडी पुलिस थाना द्वारा कन्हैयालाल को उन धाराओं में उस अपराध में जो कारित किया गया था उसमें उसको गिरफ्तार किया गया था। और 12 तारीख को जैसे ही उसको न्यायालय में पेश किया था तो उसके बाद पेश करने के बाद उसकी जमानत हो गई थी। इसके बाद कन्हैयालाल द्वारा 15 तारीख को पुनः थाने पर उपस्थित होकर एक एप्लीकेशन परिवार दिया गया कि उसको ऐसा आभास होता है कि नयम और कुछ 4-5 लोग कोई उसका शायद कोई पीछा कर रहे हैं और उसकी जान माल को खतरा है। इस बात को देखकर एसएचओ ने एएसआई को एंडोर्स किया और कि दोनों पक्षों को बात कर समाधान निकाला जाए। यहाँ पर एसएचओ ने मेरे ख्याल जो सिचुएशन है, क्योंकि ये एक आपको ध्यान होगा उस टाइम एक घटना घटी थी कि एक बयान राष्ट्रीय स्तर पर दिया गया था आपत्तिजनक, जिसका चारों तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी उसमें आलोचना हुई थी। और उसको मद्देनजर रखते हुए जो एक एनवायरनमेंट था वो सरचार्ज था, यहाँ पर एसएचओ द्वारा जो सिचुएशन का आंकलन सही नहीं कर इसमें जो दोनों पक्षों को बैठा कर एक समझौता या ये कह लीजिए कि एक समझाइश की गई और दोनों ने कि भाई ठीक है मैं अपनी दुकान खोलता हूँ और हम भाईचारे से रहेंगे और इस तरह वो मामला वहीं पर ख़त्म कर दिया। कानूनी कार्रवाई जो करनी चाहिए थी वो नहीं की। इस संदर्भ में
एएसआई को कल तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जा चुका है और एसएचओ को आज हमने सस्पेंड किया है। और भी यदि किसी अधिकारी की इसमें कमी पाई जाएगी तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो आपराधिक हो और चाहे वो विभागीय हो, किसी को भी इसमें अक्सर नहीं जाएगा। जहां तक फर्दर इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, अब एनआईए के साथ मिलकर राजधानी पुलिस इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मेरा इस पूरे प्रकरण पर इतना ही कहना है। आपका कोई